नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बुलंदशहर में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य विभाग सुरेश कुमार खन्ना ने जिला महिला अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण करते हुए डॉक्टर्स के समय से अस्पताल आने, महिला मरीजों के लिए की गई व्यवस्था, साफ सफाई, दवाइयों आदि व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने महिला शौचालय का निरीक्षण करने पर शौचालय में सफाई व्यवस्था सही न पाए जाने पर सफाई कराए जाने के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर में आगामी त्योहारों की दृष्टि कर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी श्री चंद प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्लोक कुमार द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन और अपर पुलिस अधीक्षक नगर, सिटी मजिस्ट्रेट सहित समस्त SDM क्षेत्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जनपद के हिंदू एवं मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजन, धर्मगुरुओं, हिंदू मुस्लिम समाज के गणमान्य संभ्रांत व्यक्तियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित दोनों समुदाय, हिंदू मुस्लिम के सभी गणमान्य और सम्मानित व्यक्तियों द्वारा शासन के निर्देशों, गाइडलाइंस का पालन करते हुए आपसी भाईचारा बनाए रखने का आश्वासन दिया। आम आदमी पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बजट सत्र पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की सरकार पहले घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अब गैरसैंण में बजट सत्र नहीं किया जा रहा। सरकार अनाप शनाप घोषणाएं करती है, अब सरकार को गैरसैंण में हुए खर्च का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गैरसैंण का डंका पीटने वाली सरकार अब गैरसैंण में ही सत्र आयोजित कराने से पीछे हट रही है। इसके लिए सरकार को प्रदेश की जनता को जवाब देना ही होगा। वहीं खबर गदरपुर से, जहां नगर पालिका क्षेत्र में सफाई के लिए काम कर रही KPS एनवायरमेंट कंपनी के आज सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान एक सफाई कर्मचारी ने कहा कि गदरपुर के पीस एनवायरमेंट कंपनी, जो कि ठेके पर काम करती है, उसके हम सभी कर्मचारी हैं और जिनकी संख्या लगभग 50 के आसपास है, और ये कंपनी हम श्रमिकों का शोषण कर रही है, मजबूर होकर हमने हड़ताल की है। और अब खबर गोरखपुर से, जहां थाना क्षेत्र के बनगाई में विगत 3 तारीख को 9ml पिस्टल से गोली मारकर धनंजय नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हुई है। इसी बीच घटना में शामिल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल आला कत्ल पिस्टल बरामद कर लिया गया है। आगरा में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। सपा को नहीं है मेरी जरूरत, इसलिए हो रहा हूं अलग, ऐसा कहते हुए नजर आए। अखिलेश को घेरते हुए कहा कि अखिलेश चाटुकारों से घिरे हुए हैं, उन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है जो दबाव बना रहे हैं, उन्हें अखिलेश राज्यसभा MLC पहुंचा रहे हैं। केशव देव मौर्य ये कहते हुए नजर आए कि मेरी सिर्फ उपेक्षा की गई है, मुझसे बात भी नहीं करते। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी वो काफी नाराज नजर आए। संस्थान में इस समय प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थी फैशन डिजाइन एवं फुटवेयर डिजाइन के 4 वर्षीय कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर रहे हैं। ये फॉर्म 10 जून तक भरे जाएंगे। विद्यार्थी अपना भविष्य एवं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान से, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित है, इसमें प्रवेश लेकर फैशन डिजाइनर, वायर मर्चेंडाइजर एवं अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। इस मीटिंग का मेन मकसद था कि यहाँ के इस ज़िले और आसपास के ज़िलों में यहाँ के छात्रों को जागरूकता फैलाना और उनको ये बताना कि एक बहुत अच्छा फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एक बहुत अच्छा संस्थान है जो फुटवेयर और फैशन के क्षेत्र में अग्रसर है। अभी हमारे यहाँ प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2022 है। इसकी प्रवेश परीक्षा 18 जून को निर्धारित की गई है। अगर कोई छात्र छात्रा 10 जून तक भी फॉर्म नहीं भर पाता है तो वो हमारे संस्थान से संपर्क कर सकता है।
बुलंदशहर के अनूपशहर में स्थित एसके क्लिनिक पर इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। एसके क्लिनिक पर परिवार ने अपने बच्चे का इलाज करवाया था। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा इलाज करने में लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते बच्चे की मौत हुई। मौत को लेकर परिजनों ने क्लिनिक पर जमकर हंगामा काटा। एसके क्लिनिक के संचालक डॉक्टर ने परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। संचालक ने बताया कि बच्चे की हालत को नाजुक देखते हुए बच्चे को रेफर किया गया था, रास्ते में ही बच्चे की मौत हुई है। चमोली जिला मुख्यालय स्थित प्रगति बैंक्वेट हॉल गोपेश्वर में सभी बैंकों की ओर से विशेष क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने बैंकों की ओर से लाभार्थियों के बीच विभिन्न ऋण योजनाओं से संबंधित चेक और ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में बेहतर कार्य करने वाले बैंक शाखाओं के अधिकारी स्टाफ सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाली बीसी सीएसपी को भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज पूरे देश में आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें चमोली जिले में अभी जिलाधिकारी महोदय ने आके जितने भी हमारे स्वरोजगार से संबंधित लाभार्थी थे उनको चेक वितरण किया, स्वीकृति पत्र वितरण किया और सभी लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया कि आगे और लोग भी जो है ना गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार प्राप्त करें। और इसी के बीच प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत जिन सीएसपी ने अच्छा काम किया था उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है। इसी के साथ आज ये चमोली ज़िले में हमने आउटरीच प्रोग्राम रखा था, जिसमें सभी बैंकर्स और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अधिकारियों ने भाग लिया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबर चलने के बाद विद्युत विभाग जागा है। संविदा लाइनमैन का ट्रांसफर बदलने को 2,000 रुपए की रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने खबर को प्रमुखता से चलाया था। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबर चलने के बाद ग्रामीण ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का संज्ञान लिया, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक्सिन ग्रामीण ने मामले पर एसटीओ राजपुर को जांच सौंपी है, जिसके बाद अब पूरी कार्रवाई इस पूरे मामले पर होगी। गाजीपुर के सादा थाना पुलिस क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने नकली सोना बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लुटेरों गैंग के 25,000 के नामी बदमाश और एक होमगार्ड जवान समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूट की मोटरसाइकिल समेत 4 अवैध तमंचा बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि 25,000 का इनामी लुटेरा सुनील राम उर्फ सिपाही और उसके साथी रामलखन राम, ज्योत अवनी कुमार, राजेश कुमार कश्यप और होमगार्ड जवान सत्यनारायण मौर्य लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। सादात थाना अध्यक्ष और हमारी जो सर्विलांस और स्वाट टीम है, लोगों ने काफ़ी मेहनत करके गैंग का पर्दाफाश किया है, जो लूट भी करता था और साथ में लोगों को बेवकूफ़ बना करके नकली सोना बेचता था। उसको पहले सैंपल असली सोना का दिखाता था, बाद में कहता था कि हमारे पास बहुत सोना है और उसको हम आपको बेच देंगे, जिसका सैंपल मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक कैडमियम धातु है, जिसके ऊपर ये गोल्ड का पानी चढ़ा करके उसे पूरा गोल्ड का बिस्किट बना देते हैं और उसको बेचते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को जो करते हैं ये लोग पकड़े गए हैं। इसमें एक जो अपराधी है जिसपे सुनील कुमार नाम है, इस पर 16 मुकदमे हैं। गौंडा के मुजरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगती हुई नजर आईं। बीजेपी प्रत्याशी कुष्मा देवी ने लाइन में लगकर मतदान किया। मतदान केंद्र के गेट पर बीडीसी सदस्यों की सघन जांच की गई। एसडीएम कुलदीप सिंह और उनकी टीम गेट पर जांच करती रही। दोपहर 2 बजे तक 70% मतदान हुआ था, जिसको लेकर 102 बीडीसी सदस्यों को अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। मुजेरा ब्लॉक प्रमुख पद के लिए ये चुनाव हुआ।
जौनपुर किशागंज के विधायक रमेश सिंह ने रसूलपुर गांव में जन चौपाल लगाया। आपके विधायक आपके द्वार के तहत जनता की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के प्रयास के लिए बुधवार 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रसूलपुर गांव में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में तिमारदार पहुंचे और यहां पर फरियादी भी पहुंचे हैं जिनकी जन सुनवाई की गई है। देखिए, ये हमने निर्णय लिया है कि जो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं हर एक ग्राम सभा में, वो संभव नहीं है कि एक आम जनमानस हमारे कार्यालय तक स्वयं पहुंच पाए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम हर एक ग्राम सभा में स्वयं जाके, हर घर में जाके हम वहाँ की जो जन समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं, जिससे आज मूलभूत सुविधाओं से जो आज तक वंचित रहे हैं जो हमारे लाभार्थी, वो सुविधाएं उनको कैसे मिले, इसके लिए चौपाल का कार्यक्रम हर एक ग्राम सभा में कराया जा रहा है। गंगा दशहरा को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। कन्नौज में गंगा दशहरे पर होने वाले स्नान की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। कन्नौज के ऐतिहासिक महादेवी घाट पर स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। घाट पर गंदगी देख जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा भड़कते हुए नजर आए। DPRO को फटकार लगा दिया और सफाई के निर्देश दिए हैं। नदी का जलस्तर नाप बैरिकेटिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। कल गंगा दशहरा का पर्व है, जिस पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे कन्नौज ज़िले के और कन्नौज से बाहर के काफ़ी लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं। तो उसी व्यवस्था जो है कल स्नान में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को सारी तैयारियाँ ठीक से हो जाएं, उसी को देखने के लिए हम लोग आए थे, उसी का निरीक्षण किया था। तो उसी में जो कार्रवाइयाँ की जानी है कि प्रॉपर बैरिकेडिंग हो जाएँ, घाट साफ़ सुथरे हो जाएँ, लोगों के चेंजिंग रूम अच्छे से बन जाएँ, जिससे कि जो हमारे स्नानार्थी बाहर से आएँ उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना होने पाए। कुशीनगर में जबरन खेत पर काम कर रहे लोगों को रोकने गई महिला को चालक ने ट्रैक्टर से दबा दिया। ट्रैक्टर से दबाने के बाद महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला को ट्रैक्टर से दबाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर के नीचे महिला को दबाने वाला पाटीदार फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। प्रशासन ने एक बार फिर से अवैध खनन पर कार्रवाई की है। SDM गोपाल राम बिनवाल ने छापेमारी कर आधा दर्जन खनन वाहन पकड़े हैं। इन सभी वाहनों में बड़ी मात्रा में रेत और मिट्टी लदी हुई थी। बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं द्वारा शासन की रोक के बावजूद क्षेत्र की नदियों और खेतों से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। SDM गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि अवैध खनन की बाबत उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है। आजकल लगातार अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं, जिसके क्रम में आज रात को मेरे द्वारा स्वयं जाकर के छापामारी की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर पकड़े गए हैं। और ये यूपी से मिट्टी का परिवहन रात को चोरी करके या रात को क्रेशरों से जो माल है उसको उठा रहे हैं। तो इस संबंध में लगातार अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी और लगातार इस पर कार्रवाई की जाएगी। लक्सर में थाना मडावरा के ग्राम डोंगरा खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लेखपाल द्वारा पेमाइश की जा रही थी। अचानक दबंग विपक्षियों ने लेखपाल और ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। यही नहीं, लेखपाल और ग्रामीणों को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीड़ित लेखपाल ने थाना मडावरा को प्रार्थना पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र के आधार पर प्यारेलाल रजक निवासी डोंगरा खुर्द की पेमाइश करने के लिए गया था। वहां पर करीब आधा दर्जन दबंग विपक्षियों ने रास्ते में रोक कर लेखपाल सहित करीब आधा दर्जन लोगों के साथ जबरदस्त मारपिटाई की है। लेखपाल सहित ग्रामीणों को दबंग विपक्षियों ने दौड़ा कर पीटा है। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे इन दिनों राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन प्रदेश की स्मृति और खुशहाली के लिए हवन किया है। सुख समृद्धि के लिए हवन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हवन प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया गया है। राज्यपाल ने वर्तमान में चल रही चारधाम यात्रा में सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुमग यात्रा की प्रार्थना की है। नंदप्रयाग चंडिका मंदिर में लक्ष्मीनारायण मूर्ति स्थापना और विवाह यज्ञ का आज से आयोजन हुआ है।
अध्यक्ष चंडिका मंदिर समिति नंदप्रयाग डॉक्टर जगदीश प्रसाद वैष्णव ने कहा है कि 8 जून से 12 जून तक मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन होगा और कहा कि 31 वर्ष बाद यह आयोजन किया जा रहा है। 25 अगस्त 1884 गौण लेख बरही जिसमें चमोली से लेकर ऋषिकेश तक नदी तट के गांव आपदा की चपेट में आ गए थे, जिसमें जिले के नंदप्रयाग में 2 मंदिर लक्ष्मी नारायण और चंडिका मंदिर भी चपेट में आ गए थे। लक्ष्मी नारायण की मंदिर बहुत पुराना मंदिर है जो कि 51 मंदिरों में पति कैदा के 51 मंदिरों में आता है और जो हमारे नारायण जी हैं उनमें सर्वे हुआ था तो उनमें जो आकृति पीछे से बनी है नारायण जी वही आकृति बद्रीनाथ के विष्णु भगवान ने बनाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश 1884 में यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ आया जो कि गौड़ा ताल की वजह से पूरा नंदप्रयाग बह गया था जिसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बह गया था। लेकिन नारायण जी उसमें जनता द्वारा किसी के द्वारा नारायण जी को बचा लिया गया लेकिन लक्ष्मी माँ को नहीं बचा पाए, लक्ष्मी माँ बह गई थी और उनका पूरा मंदिर भी बह गया था। ऐसा है कि केदारखंड में जो स्थूल बद्री का आश्रम क्षेत्र है नंदप्रयाग से शुरू होता है और ये भगवान विष्णु की नारायण की भूमि है। स्थूल बद्री का आश्रम क्षेत्र मतलब यह है कि यहाँ से बद्रीनाथ जी की पूजा शुरू हो जाती है, बद्रीनाथ जी के क्षेत्र में यह आता है और विष्णु प्रयाग से सूक्ष्म बद्री का आश्रम क्षेत्र शुरू होता है। यहाँ प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जहाँ पर 77 पॉइंट्स पर 440 ग्राम गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार कर दिए गए हैं। रमदा गांजा की अनुमानित कीमत जो है वो 12 लाख रुपए बताई जा रही है। नारायण कुतवाली पुलिस एवं एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से लालगंज के हंडौर से ये बरामदगी हुई है। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर सभी क्षेत्र के गांव की देव डोरियां गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो रही हैं, जिससे कि गंगोत्री धाम 5 मंदिर समिति की ओर से भव्य तैयारियां की जा रही हैं। गंगा मैया की धारा पर पूजन हवन, गंगा स्नान, घाट लहरी पाठ, कीर्तन, भजन, तमाम पूजा अर्चना की जा रही है और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।